नमस्कार दोस्तों, आज मैं मलाई वाली चाय बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं पहले पानी गर्म करूँगी। ये मलाई फ्रेश मलाई है, आज का है। इस मलाई में हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डाल के हम इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। गरम पानी में मलाई को फेंट लेंगे अच्छे से। अब मैं पानी में लौंग डालूंगी। दो तीन लौंग कूट के रखी हूँ। 1 कप चाय बना रहे हैं। 1 कप चाय में 2-3 लौंग डालना है। इसमें 1 टीस्पून चायपत्ती डालेंगे। 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और इसको थोड़ी देर तक बॉयल करेंगे। चाय का कलर अच्छा आता है, इसलिए बॉयल करना है इसको। ये जो मलाई का घोल बना के रखी थी, अब मैं इसको डाल दूंगी। और इसमें हम 1-2 उबाल आने दूंगी। तेज हीट कर दिए इसका। दो उबाल आ गए, अब फ्लेम लो कर देंगे और इसको 1-2 मिनट तक बॉयल करेंगे। दो मिनट के बाद हम फ्लेम को तेज कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और 1-2 उबाल आने देंगे। तो उबाल आ गए, अब गैस बंद कर देंगे। चाय को सर्व कर लेंगे। सिर्फ मलाई से बना रही हूँ, बिना दूध का। मलाई से चाय बहुत अच्छा लगता है पीने में। एक बार जरूर बना के देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।